आदरणीय सभापति जी, हम विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं। दुनिया के प्रगतिशील देशों के लिए भी विमेन डेवलपमेंट तो बहुत स्वाभाविक स्वीकार करते हैं, लेकिन विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उनके भी उत्साह में थोड़ी कमी नजर आती है। ऐसे समय भारत ने नारा नहीं निष्ठा के साथ विमेन लेड डेवलपमेंट की ओर कदम बढ़ाए और महिला सशक्तिकरण का लाभ आज दिख रहा है, हर क्षेत्र में दिख रहा है और भारत की विकास यात्रा में वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। मैं आदरणीय सांसद सुधा मूर्ति जी का आभार व्यक्त करता हूं कि कल उन्होंने चर्चा में महिलाओं के आरोग्य के विषय पर बल दिया था और उसका महात्म्य क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उस पर बड़े विस्तार से उन्होंने कहा था। और आप उन्होंने एक बात ये भी बड़ी इमोशनल बताई थी कि माँ अगर चली गई तो उसका कोई उपाय नहीं होता, फिर नहीं मिल सकती, ये भी बड़ी भावात्मकता से उन्होंने बताया था। विमेन हेल्थ, सैनिटेशन, वेलनेस पर हमने 10 वर्षों में एक प्रायोरिटी सेक्टर के लिए आपने काम किया है आदरणीय सभापति जी। टॉयलेट हो, सैनिटरी पैड्स हो, गैस कनेक्शन हो, प्रेगनेंसी के दौरान वैक्सीनेशन की व्यवस्था हो और इसका फायदा हमारे देश की माताओं बहनों को मिला है। आदरणीय सभापति जी, आरोग्य के साथ साथ महिलाएं आत्मनिर्भर बने उस दिशा में भी हम लगातार काम कर रहे हैं।